हेलो जी, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता। इसके लिए मैंने 150 ग्राम पनीर को ऐसे कद्दूकस कर लिया है। एक बड़े साइज के आलू को बॉईल करके उसे भी कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा मैंने एक हरी मिर्च को ऐसे बारीक काट लिया है, हरा धनिया, मैदा लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच, काजू को ऐसे कूट लिया है, ये ऑप्शनल है, अदरक को भी मैंने ऐसे कूट लिया है, आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं, नमक। तो चलिए सबसे पहले हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। पहले हम आलू और पनीर को एक साथ मिला लेंगे। इसमें हम हरी मिर्च और अदरक को मिला लेंगे। 2 चम्मच हम मैदा डाल रहे हैं इसमें। कटा हुआ हरा धनिया, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सबको डाल के इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे गोल गोल शेप में बना लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे काजू। और इसको एक गोल शेप दे देंगे कोफ्ते की। तो देखिए, सारे बॉल बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से सूखा मैदा थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। और कोफ्ते को तल लेंगे। कोफ्ते को हमें चम्मच से ही पलटना है। एक साथ ज्यादा बॉल ना डालें, नहीं तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के कोफ्तों को भी ऐसे ही हम तल लेंगे। जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम कोफ्ते की करी की तैयारी कर लेते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 हरी इलायची ली है, 2-3 लौंग लिया है और काली मिर्च ली है। आधा चम्मच जीरा, 1 कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन की 4 से 5 कलियां, 1 कटा हुआ प्याज,
इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें इतना ही भुनना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। आज से 10 काजू, साथ ही इसमें हम बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच थोड़ा सा पानी। इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर पक ना जाए। इन सारे मसालों को 4 से 5 मिनट भुनने के बाद अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें मिक्सर जार में डाल लेंगे। इसका हम एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। मसाले की बारीक पेस्ट बनके तैयार है। अब चलिए हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। जिस कढ़ाई में कोफ्ते को तला था फिर से वही कढ़ाई रखेंगे और हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच बटर, 1/2 चम्मच घी, रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे कोफ्ते का। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसे हुए मसाले। मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कोफ्ते में भी डाले हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, ये मैं घर की फ्रेश मलाई यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल सकते हैं, इससे हमारी ग्रेवी क्रीमी और रिच बनेगी। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, पानी हम ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। हम इसे 2 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, ग्रेवी को ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम कोफ्ते को डालेंगे। कोफ्ते बहुत नरम है, टूट सकते हैं। कोफ्ते को बाउल में रख लेते हैं और इसके ऊपर से हम डालेंगे ग्रेवी, इससे हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। अभी हम इसके ऊपर से डालेंगे ग्रेवी। डालेंगे थोड़ा सा और क्रीम।
तैयार है हमारा मलाई कोफ्ता। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।